ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एक स्पेशल सेशन, ठीक है ना, टेक्स्टबुक अचीवर सेशन है ये। इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली, हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम है कृष्णा कुमार रावत और रैंक 5 SSC GE 2023। और इस सेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट 2024 के लिए आने वाले किसी के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या जब एक स्टूडेंट जीरो से शुरू करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कई सारे फेलियर्स भी आते हैं, तो फेलियर को कैसे टैकल किया जाए या आने वाले एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, बारे में जानने की कोशिश करें। ऑल्दो अगर हम देखें तो कृष्णा कुमार रावत जी ने भी सेम प्रॉब्लम को फेस किया होगा, तो उस प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने टैकल किया, कैसे वो आज AAR5 बने, ये आपको कृष्णा कुमार रावत बताएंगे। कृष्णा जी, वेलकम टू टेक्स्टबुक। थैंक यू सर। ठीक है, अब देखिए कृष्णा, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि सबसे पहले बेसिक आप बताएं कि आप कौन है, आपकी क्या रैंक है, कितने मार्क्स थे आपके CBT 1 में, CBT 2 में, क्या क्वालिफिकेशन है, आप बेसिक इंट्रोडक्शन दें आप स्टूडेंट्स। मेरा नाम कृष्ण कुमार रावत है, जैसा कि सर ने बताया। क्वालिफिकेशन SSC के फॉर्म के लिए तो मेरे डिप्लोमा ही थी, क्योंकि अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ अपनी BE, तो डिप्लोमा से ही मैंने भरा था फॉर्म, और कोई भी मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। और इसमें CBT 1 में मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 133.5 और सेकेंड पेपर में 238 मार्क्स थे, जो कि 371.45 होते हैं। और अभी ऑल इंडिया रैंक 5 है सिविल में, और CPWD मिल चुका है। ठीक है, चलिए, एक सबसे पहला सवाल मैं कुछ भी आप किसी बच्चे को बताओ, मैं सिंपल एक बहुत कॉमन सा सवाल करता हूँ, क्या जब प्रिपरेशन शुरू करी थी तो लगता था कि सेलेक्ट हो जाओगे? सर, उम्मीद तो थी, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो इसीलिए किया था कि सेलेक्ट तो होना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कोई एम था कि मेरे को इतनी रैंक लानी है। ठीक है, क्योंकि अगर शुरू से इतना एम रखोगे तो शायद उतनी क्या सिलेक्शन भी ना हो पाए। रैंक तो सर आ जाती है, लेकिन प्रिपरेशन तो सिलेक्शन के लिए ही की जाती है। ठीक है, तो मतलब डाउट नहीं होता था कि सिलेक्शन हो पाएगा कभी या नहीं हो पाएगा? सर, डाउट मैंने आने नहीं दिया था कभी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और अभी सिलेक्ट होने के बाद क्या लगता है, क्या चेंज आया है लाइफ में? सर, अभी तो मतलब यही है कि थोड़ा रिलैक्सिंग माहौल है, घर वालों को बताया है। तो मैंने एक्चुअली घर वालों को ना CBT 1 पे बताया था, ना CBT 2 पे बताया था, रिजल्ट पे बताया है। मेरी प्लानिंग तो ये थी कि ज्वाइनिंग लेटर को डायरेक्ट दूं, लेकिन पता चल गया बाई चांस, तो काफी खुश हैं, एक सरप्राइज था उनके लिए। ओके, सो मतलब सोशली क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है? सर, सोशली यही है, जैसे कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं मेरे पे। ओके, मेरे क्लासमेट्स भी हैं और जूनियर्स भी हैं, और घर से बाहर जाता हूँ तो सब लोग पूछते भी हैं जॉब के बारे में, ये कैसी जॉब है, क्या है जॉब प्रोफाइल। अच्छा है, एक अटेंशन मिली है थोड़ी सी। ठीक है, तो एक अच्छी अटेंशन मिलती है कुल मिला के, और एक चेंज हमें देखने को मिलता है कि शायद ओए कृष्णा से अब हम शायद एक कृष्णा भाई या फिर कृष्णा सर हो जाते हैं। बहुत नहीं सर, कृष्णा ही काफी है। ठीक है, ये चेंज आपको समय के साथ देखने को मिलेगा अभी, और जो अभी ताजा सेलेक्ट हुए हो तो वो चेंज अभी आना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन को शुरू करते हैं कि प्रिपरेशन कब सोचा करनी है और कैसे स्टार्टिंग करें इसकी? सर, इसके बारे में मुझे, इस एग्जाम के बारे में मेरे एक टीचर थे डिप्लोमा में, उन्होंने बताया था। और अभी वो AE हैं पटना में, तो उन्होंने ही बताया था कि एक एग्जाम होता है ऐसे, और अगर आप सिविल से कर रहे हो तो उसको आपको पहला एम वही होना चाहिए। तो उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया, और फिर धीरे धीरे जैसे हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो किताब वगैरह से मुझे ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ऑनलाइन ही, या तो यूट्यूब से, या कोई अगर कोर्स लेना चाहे तो कोर्स से, और फिर तो सुपर कोचिंग टेस्ट बुक की मदद से मैंने मॉक टेस्ट दिए, वो काफी हेल्पफुल रहे थे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप डिप्लोमा में थे तो अक्सर मैंने ये पाया है कि डिप्लोमा के बच्चों के अंदर एक चीज ये होती है कि सर मैं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हूँ, क्या मैं SSC GE निकाल लूंगा, ऐसा सवाल नहीं आया? और आया तो फिर मतलब कैसे उसको पकड़ लिया? सर, जब डिप्लोमा में थे तब
बच्चे जो साथ में बच्चे थे वो कहते थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में जो बीटेक वाले ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन भी हो गया सर बीटेक में, सॉरी बीई में। तो वहां पे बच्चों को देखा तो मुझे कुछ ज्यादा खास अंतर आया दिखा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जो लगा मुझे कि अगर मैं ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, उसकी बुक से प्रैक्टिस की और भी काफी प्रैक्टिस की तो लगा कि हाँ कर सकते। सही मायनों में अगर मतलब आप मुझसे मेरी राय लेते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डिप्लोमा और बीटेक जो है वो सिर्फ कॉलेज का एक अलग अलग तरीका है, एक अलग अलग डिग्री है, लेकिन सही मायनों में जब डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं एसएससी जेई के लिए तो एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है, जो जवाब देगा वो सरल होगा। ठीक है, तो अग्रीड, ये बात सही लग रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, लगनी भी चाहिए, आप सिलेक्ट हो गए, आप तो लगनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि चलो ठीक है, आपने कॉलेज में आपको पता चला कि यार एसएससी के लिए एक है जिसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आपने ऊपर कोचिंग एनरोल किया या यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप पढ़ते होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। जी बिल्कुल, तो मैं ऐसा करता था जिस जिस टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम आती थी उनको नोट कर लेता था, फिर उसी टॉपिक वाइज मैं वीडियो देखता था, सर्च करता था गूगल पे उसके बारे में जितना कुछ मिल सकता था उसको, और जो भी मेरे को वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगता था उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। ठीक है, मतलब आपको कुल मिला के एक बात ही समझ में आ गई थी कि मैंने पढ़ लिया है ऑल्दो मैं क्लासेस कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मैं उस टॉपिक को रिविजिट करूंगा और उस टॉपिक को रिविजिट करके उसको दोबारा सीखूंगा और उसमें कुछ भी अपग्रेडेशन होगा तो मैं अपने नोट्स में वो अपग्रेड कर लूंगा। जी सर, और उसको रिवाइज करूंगा। ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज भी लगाते होंगे? यस सर। तो नंबर कम नहीं आते थे? सर स्टार्टिंग में तो नंबर बहुत ही कम आए थे जब शुरुआत की थी मैंने मॉक टेस्ट लगाने की। अक्सर मेरी बच्चों से बात होती है, वो कहते हैं कि सर मैं बड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ नंबर कम आते हैं, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी फील हुआ होगा, तो उसको कैसे टैकल किया? सर इस बारे में मैं उन्हीं सर को फिर से क्रेडिट दूंगा, मेरे जो टीचर थे उन्होंने ही बताया था कि नंबर आपकी स्टार्टिंग में काफी कम आएंगे लेकिन जैसे जैसे आप लगाते रहोगे तो नंबर बढ़ेंगे और ग्राफ काफी तेजी से बढ़ेगा, तो वही मेरे साथ भी है। और ये नंबर मतलब ये क्या लगाते रहना, मतलब क्या कि सेम टेस्ट सीरीज को रीअटेम्प्ट करना जरूरी है कि रोज नई टेस्ट सीरीज लगाओ? नहीं सर, रोज नहीं लगाता था मैं ऐसे लगाता था क्योंकि टेस्ट बुक में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए होते हैं, सेशनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, तो उनको तो लगाता था। जो फुल मॉक टेस्ट होते थे उसको मैं दो तीन दिन के गैप के बाद देता था, एक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करता था। ठीक है, उसमें था मेरे को लगभग 7-8 घंटे लगते थे, एक्सप्लेनेशन से जो भी कुछ न्यू मिलता था उसको अपने नोट्स में ऐड करता था और उसको रिवाइज करता था। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आपने एक कॉपी बनाई थी जिसमें कि आप अपनी प्रॉब्लम को अलग से नोट कर रहे थे, शॉर्ट नोट्स टाइप बना रहे थे? जी जी जी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स, देखो प्रॉब्लम को आपने एक जगह नोट करी थी, तो ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? क्योंकि अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, मैं ऑल्दो बहुत बार बताता हूँ बट ठीक है अभी आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप ही बता दीजिए। सर शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाता था, मैंने 2-3 कॉपियां ली थी, उन्हीं में मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा था, इतने पेजेस इस सब्जेक्ट के लिए, इतने पेजेस इस सब्जेक्ट के लिए, तो जो भी मिलता था उसी उन्हीं पेजेस पे लिखता था जिस सब्जेक्ट के लिए वो पेज पहले से डेजिग्नेटेड है, उन्हीं पे लिखता था ताकि मिक्सचर ना हो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट का, तो उसी हिसाब से मैं उसका रिवाइज भी करता। ओके, तो मतलब जैसे क्या अगर अब जैसे बच्चे कई बार शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं लिखता हूं तो सभी कुछ लिख जाता है, मुझे लगता है सभी कुछ लिख जाता है, तो कैसे पहचाने कि यार ये मेरे को शॉर्ट नोट में लिखना चाहिए? सर ये तो प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पूरा का पूरा लिख देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर टेस्ट देते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस या कौन सी चीज रेलेवेंट है, वो टेस्ट देने से ही पता चलेगा, पहले से पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपकी बात को समझ करूं तो मुझे लगता है कि 2 पॉइंट शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, रेगुलर क्वेश्चन क्लास करते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उससे क्वेश्चन लगाते हैं, तो उसमें जो भी आपको लगता है कि मेरी परेशानी है उस परेशानी को आप अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में लिख लें बस। दूसरा, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादातर सवाल कहाँ है, तो आप दूसरा पॉइंट वो मेंशन करें, तो मुझे लगता है कि आपके बढ़िया शॉर्ट नोट तैयार हो जाते हैं। जी
सही बात है, ठीक है। अच्छा अब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है और अभी वो फ्रेशर है, ठीक है ना, और उसको नहीं पता कि एसएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या लेना चाहिए कि वो एसएससी जेई के लिए या किसी भी ए या जेई प्रिपेयर कैसे करे? सर इसके लिए अगर मैं जेई की बताऊं, क्योंकि मैंने जेई कर लिया है, तो पहले खुद के अपने नोट्स होने चाहिए, हैंड रिटन, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। हैंड नोट्स तो आप तब बनाओगे ना जब पहले पढ़ोगे। सर उसने डिप्लोमा किया होगा तो शायद इतना तो पढ़ा ही होगा, उसके पास बुक्स होंगी तो उसमें से पढ़ के वो शॉर्ट नोट्स बना सकता है, ठीक है। और आजकल तो इतनी सारी अवेलेबिलिटी है सर ऑनलाइन, तो वहां से नोट्स बना सकता है। फिर अगर एक बार नोट्स बन गए तो उनका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन मेरा सर ये रहता था, कंसिस्टेंटली डेली करता था मैं रिवीजन, और मैंने एक साइकिल बना ली थी, ये इतनी सब्जेक्ट पढ़नी है, सारी सब्जेक्ट गुजार दी थी, फिर दोबारा से स्टार्ट करता था, तो ये चीज मतलब। फिर और टेस्ट बुक सुपर कोचिंग ने आपको कैसे हेल्प किया? सर टेस्ट बुक सुपर कोचिंग की मैंने वीडियोस देखी, काफी वीडियोस देखी, उसमें जो सोम वगैरह की सब्जेक्ट हैं, स्ट्रक्चर है, इनकी सब्जेक्ट तो मेरे को सुपर कोचिंग से ही मेरे को हेल्प हुई, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आपने दोनों का यूज किया है, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का भी यूज किया और यूट्यूब का भी यूज किया, आपने टेस्ट सीरीज का यूज किया, और एक कॉम्बिनेशन के इफेक्ट से AIR5 को अचीव किया, जी। तो कई बार एक्चुअली मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं या मैं सुपर कोचिंग से ही सब कुछ हो जाएगा, या मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा लूँ, या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम करके जान पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, जैसे ना कि आपको टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, आपको क्लास भी करना, आप इन सारी चीजों को रेगुलर बेसिस पर करेंगे तब आप अल्टीमेटली जो भी अचीव करना चाहते हैं या एग्जाम में जो भी रिजल्ट पाना चाहते हैं पा। यस सर, यस सही है, यस सर, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट को गाइड करता हूं, जैसे कि आपने कहा कि उसने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, उसके बाद अपने नोट्स है, फॉर सपोज उसके पास अपने नोट्स है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में ध्यान देते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे कॉलेज में ध्यान नहीं देते, शॉर्टेड नोट्स नहीं होगा, ना कॉलेज का जो सिलेबस होता है वो एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट है और उसे स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, he has no idea about SSCJ and something like he's got to know, आज पहली बार उसे पता चला है कि अगर SSCJ एग्जाम है और मेरे को उससे इंजीनियरिंग की जॉब मिल सकती है, ठीक है ना, और मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसे कहीं एनरोल कर लेना चाहिए, या बाजार से जाके बुक खरीद लानी चाहिए, या नोट खरीद के ले आने चाहिए, या उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पहले तो उसको सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस है क्या, ठीक है। अगर सिलेबस पता होगा तो उस हिसाब से चीजों को अरेंज किया जाए, ठीक है। तो सिलेबस देखने के बाद अब वो सर स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, वो कैसा स्टूडेंट है, अगर उसको कोचिंग की सब जरूरत है तो उसको कोचिंग करनी चाहिए, करे एनरोल करे अगर उसको जरूरत है तो, अगर वो मैनेज कर सकता है खुद से सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ स्टडी तो सर जरूरी है, करनी ही करनी है, मॉक टेस्ट तो सर मस्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के उसे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म पे वो जो भी टॉपिक्स हैं उस सिलेबस के उसको कवर करें, फिर उसके ऊपर मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है ना, और उसके ऊपर टेस्ट सीरीज लगाए और अपने आप को रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करते रहे टिल द एग्जाम। यस, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे कि आपने देखा भी कि क्या कहते हैं, टेस्ट बुक पर क्लासेस भी होती हैं, टेस्ट सीरीज भी होती है, मॉक टेस्ट भी होते हैं, और आपको SSCJ की हमने बुक भी निकाल दी है, लेकिन आपने यूज नहीं करी होगी क्योंकि अभी रिसेंटली निकाली है, ठीक है। तो सर टेस्ट बुक का तो मैं बता सकता हूँ कि मेरी जर्नी में टेस्ट बुक का तो मैं कहूँगा मोर देन 50% या 60% यूज रहा है, जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके टेस्ट की रेलिवेंसी और एक्सप्लेनेशन उनकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी, इतने कम पैसों में और पूरे के पूरे जितने भी ऑल इंडिया जितने टेस्ट होते हैं सब अनलॉक हो जाते हैं। एक बच्चे जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया था, जब हम बना भी रहे थे तो हमने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था कि
अप्रोक्सीमेटली हमने जो फीस रखी हुई है वो 4,500 रुपये रखी है। उस 4,500 रुपये के अंदर हमने क्लासेस, बुक, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूडेड है एग्जाम के लिए। और इंजीनियरिंग के लिए 4,500 रुपये मुझे नहीं लगता है कि इससे मतलब ये पूरी तरह से अफोर्डेबल ही है। सर अगर बाहर जाके भी बच्चा रहता है, मेरे साथ के बच्चे अलावा कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके आराम से 10-12,000 रुपये तो कोचिंग वाले ही लगते हैं, और रहना खाना तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता बैठे मिल सकता है। मतलब यार देखो सिंपल सी बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर 4,500 रुपये में घर पे बैठ कर क्लास भी मिल जाती है, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, नोट्स भी मिल जाते हैं, बुक भी मिल जाती है, तो इससे ज्यादा अफोर्डेबल तो शायद आज का बुक, मैं इसको एक नाम मानता हूँ, एजुकेशन एरा मानता हूँ या गोल्डन एरा मानता हूँ फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, कि आप घर पे बैठ के सब कुछ कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। यस सर, यस सर, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे एक चीज बताइए, जैसे अभी CBT 2 का पेपर हुआ और पहली बार मतलब ये पैटर्न आ रहा था कि वही ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना, तो क्या CBT 1 और CBT 2 के लिए कुछ अलग पढ़ना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि CBT 2 का लेवल था CBT 1 से भी इजी था इस बार। इस बार ऐसा था, लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये पहली बार पैटर्न नहीं होगा, लेकिन एमएससी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ऑल्दो ये हर बार नहीं होगा, लेकिन हां ऐसा 2023 में तो हुआ है। CBT 1 से इजी आ गया कंपैरेटिवली, काफी इजी था सर, काफी। और अच्छा, जैसे आपने कई AEJEE के पेपर भी हो सकता है लगाए हो उससे पहले, तो SSC का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कैसा है, मतलब अच्छा पेपर बनाता है या बिल्कुल लल्लू पंजू पेपर आता है, कैसा आता है? सर मैंने ज्यादा पेपर नहीं दे रखे, DDA का दिया है सर, DDA का दोनों टाइम का दिया है, 2022-23 में जो हुआ था और ये अब हुआ पिछला वाला, तो DDA का पेपर इनसे हायर लेवल पर है दोनों बार जो मैंने देखा है SSC के पेपर से, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है सर जज करने का बच्चे को। इस बार जो DDA का पेपर बनाया था दूसरा, वो तो हटके ही था, मतलब बिल्कुल रेलिवेंट नहीं था सर, क्वेश्चन पता नहीं कहां से उठ के आ रहे थे। SSC ऐसे क्वेश्चन है तो आगे एप्लीकेबल हो, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। 2022 का तो कंपैरेटिवली इजी था मुझे ऐसा लगता है SSC से, लेकिन 2023 का थोड़ा उन्होंने बनाया था अच्छा सर, बहुत ही हटके था ये 2023 वाला, 2023 का बनाया था नो डाउट। और SSC और DDA के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो दैट्स इट, और अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मतलब आप DDA के लिए भी कर रहे हो, तो ठीक है। तो आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपसे बहुत सवाल पूछने के, तो एक बच्चे को आप जैसे मान लेते हैं बच्चा है और वो चाहता है कि यार कृष्णा मुझे कुछ बोले कि यार प्रिपेयर करना चाहता है भाई तू कर, ठीक है ना, अभी तेरे को बहुत प्रॉब्लम आएंगी, बहुत दिक्कत आएंगी, तो उसका क्या सलूशन आपको लगता है कि होना चाहिए? सर प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, जैसे मेरी तो फैमिली काफी सपोर्टिव थी, इकोनॉमिकली भी मुझे ऐसा कुछ फील होने नहीं दिया है, कुछ बच्चों के साथ कुछ ज्यादा स्ट्रगल होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी लेकिन कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि आज कर ली और 2-4 दिन नहीं किए, अगर आप डेली करेंगे तो मुझे लगता है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर, क्योंकि मैं जब पेपर देने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं मेरा तो होगा नहीं, मैं तो यही सोचता था इतनी सारी भीड़ आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि कितने बच्चे सीरियस हैं, तो अगर आप सीरियस हो जाओगे, कंसिस्टेंसी लाओगे अपनी पढ़ाई में, तो फिर आपको नहीं रोक पाएगा, ठीक है, मतलब यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, अगर आप रेगुलरिटी के साथ अपने गोल के पीछे लगे हुए हैं तो कोई रोक नहीं सकता। जी सर, और दुनिया कर रही है यार, हम भी कर ही लेंगे यार, सिंपल, और क्या, ठीक है। तो बहुत ज्यादा देखो जैसे कृष्णा शुभ हो सकता है, तुम्हें शुरुआत में लग रहा हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं सवाल, या थोड़ा मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल सा सेशन है, बहुत आसान सा सेशन है, जिससे कि हमें बस स्टूडेंट को देखो क्या होता है ना, अक्सर जब लोग तैयारी करते हैं तो
थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो हम नहीं जानते कि हम कलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो पता नहीं सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, सेल्फ डाउट भी आता है, ठीक है ना, हो सकता है कभी कभी सपोर्ट भी नहीं मिलता है उधर से, और कभी कभी तो लोग भी डिमोटिवेट करने लगते हैं कि जैसे आपने बताया इतनी भीड़ पेपर देने आती है, जब इनका नहीं हो रहा तो तेरा कैसे होगा, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बस अगर हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं और अपने आप को रेगुलरली इम्प्रूव कराते हैं तो वी कैन डू वंडर्स। यस सर। ना तो यस सर, तो मुझे लगता है कि दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे आपकी इस छोटी सी बात को बहुत, मुझे लगता है कि बहुत, हमने बहुत रॉकेट साइंस पे बात नहीं करी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने वो एक बहुत बेसिक बात जरूर करी है जो कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अपने ऊपर भरोसा रखना है, रेगुलरिटी बना के रखनी है, अपने एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको समझ में आता है वहाँ पे इनरोल करके पढ़ना चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा सर, वो शायद हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए, वो सर रिविजन करें बच्चे, रिविजन करते हैं एक्चुअली तो ऐसा होता है, मैंने देखा है जब तक कॉपी पढ़ते हैं तब तो वो ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद कॉपी रखी और फिर वो कुछ और चीजों में लग जाते हैं, तो अगर वो एक चीज और करें, ऐड करें अपनी पढ़ाई में, स्ट्रेटजी में, कॉपी में आपने जो भी पढ़ा है उसको आप मन ही मन, चाहे कुछ और भी काम कर रहे हो, आपको उसको सोचना है, कंटेम्पलेशन करना है उस चीज का अपने आप, मन मन ही मन, इससे ये होगा जब आप पेपर देंगे और क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये ए है इसका आंसर या बी है, तो ये चीज और है, ये काफी काफी हेल्पफुल रहेगी। ये एक अच्छी चीज आपने बोली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि हम भूल गए जी, तो जी। अगर आप उसको उसके बारे में सोचते रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है तो दोबारा एक बार लेते हैं जी, जी। वो दिमाग में सेट हो जाती है, एक बार में नहीं आता, तो हो सकता है दो बार लग जाए, हो सकता है तीन बार लग जाए, लेकिन सेट हो सकती है अगर आप उसके बारे में कंटिन्यूसली काम करते हैं, सोचते रहेंगे, कम से कम सोचें बस। ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, मतलब मुझे भी, मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ यार, मैं मतलब टीचर तो बाद में बनाऊंगा तो मेरे को भी लगता है कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, बहुत बार मैं पढ़ता था भूल जाता था, तो लेकिन अभी तुम्हारे पॉइंट से मुझे अपना ही याद आया कि मैं सोचता रहता था और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन सी बात आई है सामने में, अच्छा पॉइंट है बहुत, ठीक है तो ठीक है, अच्छा है और देखते हैं बच्चे आपके, ठीक है ना। तो कृष्णा, मैं अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए हो सकता है बच्चे अभी लाइव में आपको कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इन सभी स्टूडेंट की तरफ से आने वाले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कृष्णा की जो भी आपको एक अच्छी बात लगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और उससे कुछ ना कुछ सीखिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए, और TIR 5 कृष्णा लाए हैं, आप इन्हीं की बातों से 3 ला सकते हैं जी, ठीक है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सर।